मतलब नाम है अब उनका। सीधा पॉइंट पर आता हूँ, आज सुबह सुबह एक लड़की को मैं धमकाने के लिए बीच पर गया था, तभी एक छोकरे ने अपनी कार को रिवर्स करके मेरी बाइक को ठोक दिया। ये देख बाइक का साइलेंसर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि दोस्त मेरा नुकसान भर दे, लेकिन साला भाग गया। उसके बाद तो मेरी सटक गई। फिर मैं उसका पीछा करते करते इधर तक पहुंच गया। इधर आके देखा तो साला एक नहीं 20 मवाली मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अपुन को उससे क्या करने का है, बस बाइक रिपेयर करवाने के लिए अपुन को पैसे दे दो, अपुन निकल जाएगा। ए, अपने पास अभी इससे लफड़ा करने का टाइम नहीं है। 5-10 हजार इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसे यहाँ से। हर आदमी पैसे का गुलाम होता है, तू भी होएगा। समझदार आदमी है। सही बोला बे तू, जैसे कुत्ता हड्डी को देखकर लार टपकाता है ना, पैसों को देखकर इसकी भी जीभ लपका भाई। पंगा, पैसे का नेचर बिल्कुल करेक्ट समझ गया तू, लेकिन तू बेदलम के नेचर को नहीं समझ सका। देख अपन पैसे के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी तो सुन के नहीं लेगा। ए, हम 20 लोग हैं और तू अकेला, बिना प्लानिंग के पंगा लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझा? फनी बॉय, फनी बॉय। अरे पंगा लेना ही तो अपन का प्लान है। से मिलने एक लड़की आई है, उसके पास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के गैर कानूनी धंधों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपने साथ लाई है। इतनी सारी लड़कियां थी, वो भी कितनी कम उम्र की, बहुत ही डरावना था। आप आराम से बैठिए। उन गुंडों को मत छोड़ना सर, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। उन्हें मत छोड़ना। मेरे पास उस लड़की का नाम, एड्रेस और फैमिली डिटेल्स हैं। मैंने उसे यहाँ रोक रखा है। डिपार्टमेंट में कई ईमानदार ऑफिसर हैं, उनको छोड़कर आप यहाँ क्यों आई? ये आपको मरवा देंगे, प्लीज यहाँ से भाग जाइए। कांस्टेबल। यस सर। सुनो, तुम खुद यहाँ होगे या मैं उसे लेकर वहाँ आऊँ? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। हैंडपंप, ये सब कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है यार, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, बहुत अजीब लग रहा है। इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोल, जाने को बोल इनको, निकाल इनको यहाँ से, भगा सबको। बेटा, भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी औलाद की कसम खाती हूँ, अगर दुनिया में वाकई कोई भगवान है और अगर इस दुनिया में उसका न्याय सच्चा है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान आपको आबाद रखे, सुखी रखे बेटा। पैसे और जमीन बचाकर इंसान अपनी संपत्ति बढ़ाता है, किसी की जान बचाने पर उसके भविष्य की रक्षा होती है, लेकिन एक लड़की को बचाने पर पूरे परिवार की रक्षा होती है। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुमने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ऐसा करके तुमने अपने सारे पाप धो लिए हैं बेटा, धो लिए। तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी भी नहीं। आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़ रहे हैं। ठीक कह रही हूँ। हमने इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, यहाँ से चलते हैं। आज्ञा दीजिए रावणी सर। अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? रिशा, हमने राउडी सर के घर को छोड़ने का फैसला किया है। हाँ बेटा, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इतनी रात को एक जवान लड़की को लेकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ? हाँ? हाँ?
त्रिशा, त्रिशा क्या क्या हो रहा है बेटा? तुम इसे भाग। सर, सर कौन कौन? राउटी सर, राउटी सर, उन लोगों ने ऊपर किसने किया? मैं नहीं जानता वो कौन थे। मेरी मेरी वाइफ कहाँ है? जरा उसे ढूंढेंगे। वो ठीक तो है ना गोमती? वो जिंदा तो है ना? प्लीज प्लीज उसे संभालिए। गोमती गोमती तुम कहाँ हो? मेरी गोमती क्या बोलो सर, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, जिंदा है। क्या वो चली गई? हमेशा कहती थी कि वो मुझसे पहले जाना चाहती है। गोमती और मेरी 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 बेटी त्रिशा कहाँ है? वो कहाँ है? उसे उसे ढूंढिए, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। वो बिल्कुल माँ की तरह हमारा ख्याल रखती थी। मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए। लेकिन आप तो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। ऐसा पैसा है मेरे पास। यही रखा है। ये लीजिए ये पैसे और ये अंगूठी भी रख लीजिए और किसी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए। बचा लीजिए उसे भगवान के लिए, बचा लीजिए। फॉरन ऑपरेशन करना होगा। कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। पेशेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है? डॉक्टर वो इनकी बहन है। कुछ दिन पहले वो इन्हें यहाँ जख्मी हालत में लेकर आई थी और एडमिट किया था और उसी ने इन्हें खून भी दिया था। हाँ, ये मेरे भैया है। हाँ ये मेरे भैया है। भैया है मेरे। लड़की ने कहा ना ये उसका भाई है। इसकी हालत कितनी खराब है, इसे जल्द से अंदर लेकर जाओ, इमरजेंसी है। यहाँ साइन कीजिए सर, साइन कीजिए। अंकल आपको भी चोट लगी है, दर्द हो रहा है, प्लीज मत रोइए, अपने आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। क्या आप ही पेशेंट के बड़े भाई हैं? जी सर। डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है, बट हर माइंड एंड बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। रिकवर होने के लिए उसे टाइम लग सकता है। हेड इंजरी की वजह से उसके ब्रेन फंक्शनिंग पर असर पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो तो अभी बताना मुश्किल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो मेरी बहन ठीक तो है ना? आप चिंता मत कीजिए, बैठिए। नहीं चलेगा, बताइए ना वो ठीक है? देखिए डरने की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। शी विल हैव अ नॉर्मल लाइफ।
हाँ, लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो बैठी है। अपने अतीत के बारे में उसे कुछ याद नहीं। उसे अपनी माँ, अपने पापा, यहाँ तक कि अपने बारे में भी कुछ याद नहीं। उसका पास्ट अब वही होगा जो आप उसे बताएंगे। आप उसे क्या बताएंगे ये आपकी चॉइस है। डॉक्टर, वो पेशेंट बहुत पैनिक हो रही है। देखो देखो, तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। देखो, हम मुझे बहुत डर लग रहा है। फोटो में कौन है? ये कौन है? मैं नहीं जानती। याद आएगा, देखो मुझे यहाँ से जाना है। याद आएगा, ट्राई तो करो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम है ना यहाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। देखो फोटो में, देखो ये कौन है। देखो सब ठीक हो जाएगा। काम डाउन, काम डाउन। मैंने इन्हें पहले देखा है, शायद मैंने जानती हूँ कौन है ये। मुझे बताइए, आप मेरे कौन लगते हैं? कौन है आप? बताइए कौन है? ये कौन है? प्लीज 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 डॉक्टर, बता। कौन है आप? प्लीज बताइए आप कौन है? तुम्हारा भाई। भैया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस दवाइयां टाइम पर लीजिए। ठीक है सर। और रूटीन चेकअप के लिए आती रहिएगा। ओके ओके सर। हाँ ठीक है डॉक्टर।